हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो ना ठंड थोड़ी थोड़ी सी पड़ने लगी और ना मैं जब शाम को थोड़ा सा रेस्ट लेकर उठी ना तो कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था। तो मैंने सोचा चलो आज अपने लिए कुछ अलग सा बनाते हैं। तो आज मैं बना रही थी प्याज के पकौड़े, और ना जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं फ्राइड वाले कम खाती हूँ, तो मैं यहाँ पे कभी कभी ही इसे बनाती हूँ। तो आज मैंने सोचा चलो अपने लिए थोड़े से पकोड़े बनाते हैं। तो ठंड के मौसम में अगर पकोड़े मिल जाए तो फिर क्या कहना। तो यहाँ पे मैंने प्याज लिए हैं, तो मैं अपने खुद के लिए ही बना रही थी, तो थोड़े से ही मैंने प्याज लिए थे। और प्याज को थोड़ा सा छील लेंगे, क्योंकि ना अक्सर ना प्याज में थोड़े थोड़े से मतलब ब्लैक कलर के स्पॉट टाइप के रहते हैं, तो उसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पे ना प्याज को मैं थोड़े से कट्स लगा लूँगी और इसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो ना घर में ना भी पकोड़े वगैरह कोई ज़्यादा नहीं खाते, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही बना रही थी। तो ना यहाँ पे प्याज को अच्छे से क्लीन कर लेंगे और ना इसे बारीक बारीक काट लेंगे। तो मतलब मीडियम साइज़, ज़्यादा भी पतला नहीं, मतलब इसे काट लेंगे ताकि जितना आपको पकोड़े में जैसा चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसे पतला पतला काट लूँगी। आप चाहे ना प्याज के साथ बारीक बारीक यहाँ पे आलू भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी ये पकोड़े खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने प्याज को अच्छे से पतला पतला काट लिया है। अब क्या करेंगे ना, बर्तन में ले लेंगे और इसे थोड़ा सा इस तरह से मैश कर लेंगे, जिससे कि ना प्याज मतलब ये जो लच्छे हैं ना अच्छे से खुल जाएंगे। अब क्या करेंगे ना, इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे जिससे कि फ्लेवरफुल रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अदरक ले रही हूँ, लहसुन ले रही हूँ और एक हरी मिर्च ले रही हूँ। इसे मैं थोड़ा सा मतलब दरदरा सा कूट लूँगी, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसे इसमें डाल देंगे। और ना मैं क्या करती हूँ ना, जब भी पकौड़े बनाती हूँ ना थोड़े से पीनट्स ऐड कर रही हूँ। वो पर्सनली मुझे अच्छा लगता है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। पीनट्स को थोड़ा सा दरदरा सा कूट ले। अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे जिससे कि इसमें कलर अच्छा आता है। अब बेसन ऐड करेंगे, तो बेसन ना आप क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे 3 चम्मच बेसन ऐड की हूँ। अगर मुझे कम लगा या फिर अच्छे से कोटिंग नहीं हुआ तो मैं और थोड़ा सा इसमें ऐड कर लूँगी। तो इसके साथ चुटकी भर मैंने यहाँ पे सोडा ऐड किया है, जो खाने वाला सोडा होता है ना उसे मैंने ऐड कर लिया, जिससे कि ये जो पकौड़े हैं ना अच्छे से फूलेंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। और नमक भी ऐड कर लेंगे स्वाद अनुसार। बेसन है तो इसे हजम करने के लिए थोड़ा सा आपको इसमें अजवाइन ऐड करी, तो थोड़ा सा ही मैंने यहाँ पे अजवाइन ऐड किया और थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिससे कि इसमें टेस्ट अच्छा था और खुशबू भी अच्छी आती है। अपना इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका मोटा सा एक घोल तैयार कर लेंगे। तो ज़्यादा पानी ऐड ना करें, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें। तो मैंने यहाँ पे बेसन 3 चम्मच ऐड किया था, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बेसन कम लग रहा था, मतलब ये जो प्याज को ना अच्छे से कोट नहीं कर रहा था। तो ना मैंने यहाँ पे फिर से 3 से 4 चम्मच और बेसन ऐड किया, जिससे कि ये अच्छे से कोट हो सके। और ना सभी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स करें। तो मैं यहाँ पे हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि ना मतलब अच्छे से मतलब फॉर्मेट टाइप का भी हो जाए और ना जो पकौड़े हैं ना अच्छे से फूले भी। तो चलो इसे एक साइड रखते हैं। दूसरी तरफ ना मैं यहाँ पर तेल गर्म करने के लिए भी छोड़ दूँगी। तो ना तेल जब तक कि गर्म हो रहा है ना, हम दूसरी चीज़ भी बना लेते हैं। तो पकोड़े के साथ ना अगर चाय ना हो तो फिर क्या मज़ा। तो मैं यहाँ पे ना चाय बना रही थी, तो मैंने ना अभी रील्स में बहुत वायरल देखा था ये जो कैरेमल वाला चाय, तो मैं आज वही ट्राई कर रही हूँ। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पर ना ले लिया था चीनी, और थोड़ा सा मैंने चाय पत्ती ले लिया था। इसे अच्छे से कैरेमल कर देंगे जब ये, और ना लो फ्लेम में रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे पानी। तो मैंने यहाँ पे 2 कप के करीब पानी ऐड किया है, और साथ ही ना इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आप ना मिल्क ऐड कर रहे हो तो 1 कप मिल्क और 1 कप पानी ऐड कर सकते हैं। 1 इलायची ऐड किया है, और ना अदरक मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कूट के ऐड किया है। तो मुझे अदरक वाली चाय कभी कभी पीना पसंद है, तो मैं यहाँ पर अदरक इसमें ऐड कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप इसमें अदरक को स्किप कर सकते हैं। और 1 तेज़पत्ता डालकर इसे लो फ्लेम में मैं इसे अच्छे से उबलने के लिए छोड़ दूंगी। इसी बीच ना तेल भी गर्म हो गया था, तो मैं यहाँ पे पकोड़े को भी फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे ना तेल जैसे गर्म हो जाए ना, प्याज के जो पकोड़े को हमें फिर फ्राई करना है। थोड़ा थोड़ा करके हमें प्याज के पकौड़ों को इसमें डालकर फ्राई करेंगे, और अच्छा क्रिस्प होने तक का उलटते पुलटते दोनों तरफ से इसे सेक लेंगे। और ना ये फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि कम अमाउंट में हमने इसमें ऐड किया है। और ना 4 से 5 मिनट के अंदर आपके सारे पकोड़े बनकर तैयार हो जाएंगे।
तो इसी बीच ना मतलब मैंने सारे पकोड़ों को फ्राई कर लिया था और साइड में मैंने ये जो चाय को भी रखा था उबलने के लिए। आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं और ना अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ना बेल आइकन को भी दबाना ना भूले, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं और ना यह चाय भी अच्छे से उबल चुकी है और ना मैंने इसे एक कप के करीब चाय को उबाल लिया है। अब क्या करेंगे ना, चाय भी यहाँ पे पकोड़े तैयार है और गर्मा गर्म चाय भी तैयार है, तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तैयार है हमारे प्याज के पकोड़े और कैरेमल वाली चाय। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।